नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम आपको ले चलते हैं तरावड़ी, जहां श्रीमद् भागवत कथा में मधुर प्रवचनों की बयार बह रही है। आपको बता दें कि भारत ग्रुप के संस्थापक रहे स्वर्गीय पन्नालाल गुप्ता तथा उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भगवंती गुप्ता की याद में तरावड़ी स्थित शिव शक्ति इंटर ग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रमेश गुप्ता तथा रमेश गुप्ता के पुत्र अमित गुप्ता द्वारा यह कथा उनके परिजनों की याद में करवाई जा रही है। इस कथा का आयोजन बाबा बंसी वाले के सानिध्य में करवाया जा रहा है। इस कथा का आयोजन तरावड़ी की अनाज मंडी में हो रहा है। कथा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस कथा में सुप्रसिद्ध साध्वी जया किशोरी जी अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को निहाल कर रही है। आज कथा के दौरान भव्य झांकियां प्रस्तुत की गई। शिव शक्ति इंटर ग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रमेश गुप्ता तथा उनके परिजनों ने सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान नगर के कई उद्योगपति, समाज सेवी व आम लोग मौजूद थे। आइए अब आपको ले चलते हैं तरावड़ी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कथा के मुख्य आयोजक तथा उद्योगपति रमेश गुप्ता आयोजक को लेकर क्या कह रहे हैं और हमारी संवाददाता महक ने आयोजन को लेकर क्या कहा, फिर आपको ले चलेंगे कथा में। आप भी सुनिए साध्वी के मधुर प्रवचन। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इस भव्य आयोजन के बारे में। सर, इस भव्य आयोजन में किस तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है? सुविधाओं का एक तो सबसे जो महत्व है ये बाबा बंसी वाले की कथा का आयोजन है। बाबा बंसी वाला जिसको आशीर्वाद देता है वो काम संपूर्ण हो जाता है। भाई लक वो बीमार हैं जिसकी वजह से अब तक नहीं आ सके। उम्मीद है शायद एक या दो दिन के लिए आए, क्योंकि उनको हर रोज़ लाइव प्रोग्राम हमें दिखाना भी पड़ता है और उनको शौक भी है और हर हर पल की खबर लेते हैं, क्या भंडारा चला हुआ है, कैसी कथा चली हुई है, कथा में कितने आदमी आते हैं, भंडारे में कितना खाना बनता है, ये उनको पल पल की खबर चाहिए। सुविधा में खाना हर तरह का खाना बनता है। आप देखिए जाके भंडारे के अंदर आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या क्या सामान बन रहा है, किस तरह का खाना बन रहा है। ये तो मैं बयान नहीं कर सकता कि भी क्या क्या बन रहा है, ये तो आपको खुद ही जाके देखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि बाबा बंसी वाले का प्रताप क्या है। उसके बाद भागवत कथा अब चल रही है, आप देख ही रहे हैं कि भागवत कथा के अंदर रश का कोई ठिकाना नहीं है। हम बल्कि मजबूर हैं कि हम कैसे अरेंज करें, क्योंकि ये विश्व विख्यात प्रवक्ता है जय किशोरी जी, और इसने बहुत 6 साल से बचपन से ही ये काम शुरू किया हुआ है, और जो लोग इसकी कथा एक बार सुन लेते हैं वो इसके दीवाने हो जाते हैं। इसका लाइव प्रोग्राम भी चलते हैं, यूट्यूब पे भी प्रोग्राम चलते हैं। जी, हमें कुछ साध्वी जी के बारे में बताइए, वो कहाँ से हैं? साध्वी जी का जन्म वैसे 13 जुलाई को 96 में, मे भी मुझे नहीं पता, राजस्थान में हुआ था। डेट मुझे पता है कि 13 जुलाई को हुआ था, और अब इस टाइम कलकत्ता में रहते हैं। इनके पास इतने प्रोग्राम होते हैं कि इनको डेट देना बड़ा मुश्किल है। ये तो हमें पता है कि हमने किन हिसाब से और किस रिक्वेस्ट से डेट ली है, ये तो हमें ही पता है। कितने दिन प्रोग्राम चलेगा? ये 7 दिन प्रोग्राम चलेगा और संपूर्ण भोग 23 तारीख को शुक्रवार को पड़ेगा। इस दौरान क्या कुछ और अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे? कल कृष्ण जन्म है, परसों रुक्मणी भी आए शादी है, और अभी तो उन्होंने आगे का प्रोग्राम हमें नहीं दिया। अभी 6 दिन का क्या प्रोग्राम है और 7 दिन का क्या प्रोग्राम है? क्या आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में आप कथा आप भी सुन रहे हो कि भाई क्या आनंद आ रहा है। आपने मेरे को बुला लिया तो मुझे आना पड़ा, अदरवाइज मेरा मन कथा में ही है। सर, समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो या समाचार आप देख रहे हो, आप कथा का आनंद जरूर लें, जिससे भागवत में लिखा है जो भागवत कराता है, और भागवत सुनने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, भागवत कराने वाले को इतना पुण्य मिलता है, और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तो ये थे रमेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपने पिताजी की याद में यहाँ भगवत गीता का आयोजन करवाया है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच कर मनोरंजन ले रहे हैं। और मैं हूँ सनी चौधरी के साथ महक शर्मा। Yeah.
आशा इंदिरा तुझी से हो तुझी आशा छोड़ दी।
राजा ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसे कह दो वो पालकी उठा लेगा, बदले में उसे जो धन चाहिए होगा दे देंगे उसके बराबर। बगल में जो एक ही जन बैठे थे भरत जी, उन्हें बुलाया जाता है। भरत जी ने कहा मैं पालकी उठाने को तैयार हूँ और मुझे धन भी नहीं चाहिए। अब वे पालकी उठाकर चल रही है। अब जब से भरत जी ने पालकी उठाई है, राजा को बार बार पालकी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे चोट लग रही है। एक बार, दो बार, तीन बार राजा ने अपने सेवक से कहा कि कैसे चल रहे हो, थोड़ा ध्यान से चलो, मुझे चोट लग रही है। सेवकों ने कहा महाराज हम नहीं चल रहे, पर ये जो नया सेवक आया है ना ये थोड़ा पागल लगता है। क्यों? बोले पता नहीं कभी आगे कूद जाता है, कभी पीछे कूद जाए, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी जोर जोर से हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए। अब असलियत क्या थी? समय धीरे धीरे बीत रहा है, अंत समय कब आ जाए किसी को नहीं पता। तो भरत जी सोचते थे कि मैं कोई भी पाप क्यों करूं। तब रास्ते में हम चलते हैं, कई जीव जंतु कीड़े मकौड़े बीच में आते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए भरत जी कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए। अब इन चक्करों में कोई बच जाए तो वो बड़े मुस्कुराते, बहुत खुश हो जाते, लेकिन कोई भूले भटके पैर के नीचे आ ही जाए तो रोने लग जाते कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो गई। और बाकियों को ये चीज समझ नहीं आ रही, उन्हें वो पागल लग रहे हैं, इन कैसे हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है एक दो बार और देखते हैं, नहीं तो फिर मैं बात करता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलते फिर राजा को चोट लग रही है। अब राजा ने पालकी उतरवाई, तलवार निकाल के राजा मारने लगते हैं। राजा कहते मैं एक राजा हूँ, एक राजा को चोट लग रही है तुम्हारे कारण, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। भरत जी ने कहा अगर आज भी मैंने इन्हें सही शिक्षा नहीं दी तो आगे जाकर लोग इन पर नहीं ज्ञानियों पर सवाल उठाएंगे। पर मैंने क्या कहा कि आप किसी कलाकार के साथ रहो तो कला थोड़ी बहुत प्राप्त होती है, अगर वो अच्छा कलाकार है तो आपको भी कला प्राप्त होगी। अगर कोई बहुत अच्छी ज्ञानी है थोड़ा बहुत ज्ञान आपको भी मिलेगा। तो भरत जी ने कहा कि आगे जाकर ज्ञानियों पर इल्जाम लगेगा कि भरत जी जिसके साथ थे, भरत जी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया था वो भी नरक ही गया। क्या बड़े कहते हैं कि भाई अच्छी संगत में रहो, बिल्कुल तो जैसी संगत मन चाहे उसमें रहो, जब कोई फायदा होने ही नहीं वाला। तो भरत जी ने बहुत सी बातें समझाते हैं और अंत में भरत जी ने एक ही बात कही कि राजन आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हो, गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। अगर आपको सही में शिक्षा ग्रहण करनी है तो, नहीं करनी है तो जो करना है करो। अगर सही शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो गुरु के सामने अपना ऐश्वर्य। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।